Dear students, welcome in the lecture on metal dienyl complexes. And in these metal dienyl complexes, we had discussed about the cyclopentadienyl complexes. Now we will discuss about the acyclic pentadienyl complexes. Okay? तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में. और क्योंकि हम ऑलरेडी साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. और उससे पहले हम देखेंगे कि जो लिगेंड्स की क्लास है एक बार पहले हम उसे डिस्कस करेंगे कि लिगेंड कितने तरीके की क्लासेस उनकी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डोनर प्रॉपर्टी ऑफ देम. वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डाइनाइल लिगेंड्स हम किन्हें कहते हैं. फिर हम देखेंगे कि जो एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल लिगेंड है वो क्या होता है और वो कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. ओके, तो यहां पर आप देखिए कि हम देखेंगे कि जो लिगेंड्स हैं उनकी क्लासेस ऑफ लिगेंड्स हम यहां पर जो दिखा रहे हैं उस वो किसके आधार पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी डोनेटेड बाय दैट पर्टिकुलर लिगेंड. वो पर्टिकुलर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ट्रांजिशन मेटल को, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देंगे, उसको उस क्लास को नाम देंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे कोई लिगेंड तो उस लिगेंड का नाम में हम आयल कहते हैं. उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, आयल लिगेंड्स. जैसे एल्काइल है, एराइल है, ये ईटा वन लिगेंड्स होते हैं जनरली, ईटा वन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहां पर इनको हम कहते हैं ईटा वन टाइप के लिगेंड्स हैं ये. इन्हें क्या कह रहे हैं, ईटा वन लिगेंड्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. देखिए, आपने कई तरीके के क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए हैं अब तक लिगेंड्स के, तो ये हम क्लास एक पूरी क्लास ऑफ लिगेंड्स को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर. दूसरे तरीके के जो लिगेंड्स हैं जो कि दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम एल्कीन्स कहते हैं. और जनरली ये ईटा टू, इनकी हेप्टिसिटी कितनी होती है, ईटा टू कहलाती है जनरली. ठीक है, इनाइल लिगेंड. तीसरे टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो इनाइल लिगेंड हैं. दे आर थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स और थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स हैं. हम इनको ईटा थ्री से शो करते हैं, इनकी हेप्टिसिटी थ्री होती है. फिर हम देखेंगे डाइईन है कैटेगरी. डाइईन का मतलब दो ईन ग्रुप है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और इनकी जो कैटेगरी है वो है ईटा फोर, उनकी हेप्टिसिटी होती है ईटा फोर, जिसके एग्जाम्पल है ब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है. ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है डाइनाइल. डाइनाइल ऐसे लिगेंड्स का ग्रुप है जो कि फाइव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. तो इनकी जो हेप्टिसिटी है वो फाइव होती है और इसको हम ईटा फाइव से शो करते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या है, देखिए, साइक्लोपेंटा डाइनाइल जो हम पढ़ चुके हैं, साइक्लोहेक्सा डाइनाइल, साइक्लोहेप्टा डाइनाइल, और इसी के अंदर क्या आता है, ए साइक्लिक पेंटा डाइनाइल लिगेंड. तो जो एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल लिगेंड जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो भी इसी ग्रुप के अंदर आता है, मतलब वो एक तरीके का डाइनाइल है जो कि पांच इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो क्लास देखेंगे वो है ट्राइइन. ट्राइइन सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और उनकी जो हेप्टासिटी है वो आप देखेंगे सिक्स होती है हेप्टिसिटी. इसके एग्जाम्पल है बेंजीन है, साइक्लोहेप्टाट्राइन है. तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स हैं. फिर आप देखेंगे ट्राइनाइल. ट्राइनाइल लिगेंड का मतलब जो सेवन इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इसका एग्जाम्पल हमने दिया है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल और इसकी जो हेप्टासिटी है वो होती है सेवन. तो इस तरीके से हम जो लिगेंड्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो अभी जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो है डाइनाइल. हम देखिए डाइइन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन. इनाइल हम पढ़ चुके हैं, एलाइलिक कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन या ओलिफिन कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं और एल्काइल और एराइल कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ चुके हैं. तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस.
डाइनाइल में अगर आप देखेंगे तो अगेन मैं आपको बता रही हूं कि जो लिगेंड्स हैं जो कि 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेटल को, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो साइक्लिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लिगेंड्स वो हो सकते हैं। जैसे आपने देखा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल है, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल है या फिर ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल है। ठीक है, जो डाइनाइल लिगेंड्स होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बाइंड्स इन पेंटाहेप्टो फैशन। ठीक है, पेंटाहेप्टो फैशन में जुड़े हुए होते हैं ईटा 5 हम इसको दिखाते हैं। फिर आप देखेंगे ये 6 मेंबर्ड रिंग हो सकती है और 7 मेंबर्ड साइक्लिक लिगेंड्स या आयन हो सकते हैं। 5 मेंबर्ड हो सकते हैं, 6 मेंबर्ड हो सकते हैं या 7 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड भी ये हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्ड हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, फिर आप देखेंगे साइक्लोहेक्साडाइनाइल है, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल है, तो ये लिगेंड्स साइक्लिक लिगेंड्स या आयन्स हो सकते हैं या ए साइक्लिक भी हो सकता है। उसकी कैटेगरी हमने फिर से आपको दी है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल, साइक्लोहेक्साडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल। तो यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल। तो यहां पर आपको देखिए स्ट्रक्चर भी शो किए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल का है, ये जो स्ट्रक्चर है ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल का है, ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल का है और ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेप्टाडाइनाइल का। हर एक में आप देखेंगे कि 5 जो एटम्स हैं वो लिगेंड्स के थ्रू जुड़े हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला एटम छूटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये दोनों एटम्स जो कार्बन एटम है ये नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारे के सारे लिगेंड्स हैं दे आर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स। ओके, फिर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखिए जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ ये कॉम्प्लेक्स है, ये ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल के कॉम्प्लेक्स है, ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल कॉम्प्लेक्स है और ये साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से ये सारे लिगेंड डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जो ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं उन वो क्या होते हैं। तो अगर हम ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल लिगेंड को देखें तो उसको हम लिखते हैं ईटा 5 सी 5 एच 7 माइनस। माइनस हम तब इसमें ऐड करते हैं जनरली जब ये एक नेगेटिव लिगेंड की तरह ऐड होता है, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, 5 कार्बन एटम के थ्रू जुड़ेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल स्पीसीज को हम देखेंगे तो उसको हम C5H7 कहेंगे। न्यूट्रल यानी जो कोई जो केवल 5 इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन अगर एनायनिक फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी। बिल्कुल जैसे हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल को 5 इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, लेकिन अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एनायन लेंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 कार्बन है और 5 कार्बन, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं उस जो एक होता है न्यूट्रल मेथड और एक होता है आयनिक मेथड, तो उनके हिसाब से जब हम दिखाएंगे तो उस हिसाब से वी कैन ऐड द चार्ज। ठीक है, और अगर हम इस लिगेंड को देखेंगे तो ये बहुत अधिक स्टेबल नहीं है, ना ही ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं है। तो अगर एरोमेटिक नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है। ओके, और ये 5 कार्बन एटम के थ्रू क्या करता है, मेटल के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, अगर हम ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन देखें तो हम इसको किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो यहां पर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल आर्यन 1 कैटायन। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये कैसे बन रहा है, यहां पर आप देखेंगे ये एक सिस एल्काइल डाइईन है। देखिए एक आर ग्रुप जो है वो दोनों सेम साइड है, तो सिस एल्काइल डाइईन है। इस डाइईन की रिएक्शन हम ट्राइटियल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, हेलाइट कह सकते हैं आप इसे, इसको हम कहते हैं ट्राइटाइल हेलाइट। ये क्या करता है, हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है। ये जो C+PH3 है ये अधिकतर जगह पर आप देखेंगे इट विल एक्ट एज हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्टर, और ये क्या होता है, ट्राइफिनाइल मिथाइल हेलाइड। ठीक है, तो ये सिस सब्स्टिट्यूटेड डाइईन के साथ रिएक्ट करके देखिए क्या बना रहा है, एक ए साइक्लिक
देखिए लिगेंड एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि ये क्या इसका काम क्या है कि यहाँ जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट हाइड्राइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये पांच इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे डीलोकलाइज्ड। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा मेथड आप देखेंगे इस सेम आयरन कॉम्प्लेक्स को बनाने का क्या किया जा सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ डाइइनोल और डाइइनाइल ईथर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये देखिए यहां पर हमने लिया है डाइइनोल मतलब डाइइन है और इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है या तो OR। अब OR में R में भी H और में भी एनी एल्काइल ग्रुप, ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स जहां पर डाइइन भी है OR ग्रुप भी है इनमें डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम यहां पर, यहां पर हम अगेन जो आयरन का कॉम्प्लेक्स है जो कि एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर से आप देखेंगे कि जो ओ ग्रुप है ओ आर ग्रुप जो है एक्चुअल में यहां से क्या हुआ है, हट गया है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन दे डीलोकलाइज ओवर 1, 2, 3, 4, 5 दीज 5 कार्बन एटम्स दे डीलोकलाइज। तो इस तरीके से हम आयरन का जो एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। थर्ड मेथड है सेम कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, प्रोटोनेशन ऑफ ट्राइइन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा कि तीन डबल बॉन्ड है तो देखिए या तो हमारे पास दो डबल बॉन्ड है और एक जगह हम हाइड्रोजन हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्ट कर लें या एक आर ग्रुप हट जाए ओ आर ग्रुप हट जाए, या फिर हमारे पास तीन डबल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड को हम प्रोटोनेट कर दें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 से 5 बना दिया हमने और यहां पर जो किया है हमने क्या किया है, प्रोटोनेशन किया है। तरीके से हमने तीन मेथड देखे, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है जो कि कैटायनिक स्पीसीज है आपने देखा। एक तो हमने इसको जनरेट किया था हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन डाइइन से, फिर हमने डाइइनाइल जो इनोल कॉम्प्लेक्सेस थे या ईथर कॉम्प्लेक्स थे उनसे सिंथेसाइज किया, और तीसरा हमने जो ट्राइइन कॉम्प्लेक्स थे उनके प्रोटोनेशन से हमको एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस मिले। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है। ओके, जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है तो आप ये देखेंगे कि ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये आयरन सेंटर एक्ट करेगा या फिर कोई कार्बन सेंटर न्यूक्लियोफाइल की अटैक के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आप देखेंगे कि जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर हमने जितने अटैक दिखाए हैं ये कार्बन सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन की 5 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जैसे यहां पर हमने दिखाया है कि ये 1 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। देखिए यहां हमने दिखाया है ये जो राइट साइड में जो रिएक्शन है यहां पर 5 कार्बन एटम में न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया है। ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और ये जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है यहां पर आप देख सकते हैं जो 3 पोजीशन है वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया हुआ है। तो ये न्यूक्लियोफाइलिक जो है वो इसके कार्बन एटम पर अटैक कर सकता है। ओके, या फिर जो आयरन सेंटर है उस आयरन सेंटर, क्योंकि आयरन सेंटर कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस आयरन सेंटर के ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। और आप देखेंगे कि ये देखिए कि ये जब अटैक कर रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स, देखिए जो 5 एटम थे यानी ये पहले क्या था, डाइइनाइल, डाइइनाइल किस में कन्वर्ट हो गया, इनाइल में, देखिए ये एलाइलिक ग्रुप हो गया और वहां से आयरन जो है अटैच्ड है। तो ये जो आयरन अटैच्ड है वो इस साइड से, देखिए आयरन सेंटर पर अगर अटैक करेगा तो 1, 2, 3 पर एलाइलिक ग्रुप आ गया है, और अगर दूसरी साइड से अटैक करेगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो
एलाइलिक ग्रुप है वो कहाँ आ गया, देखिए इस साइड आ गया 3, 4, 5 पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये आयरन सेंटर पर हो सकता है या कार्बन सेंटर पर हो सकता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों जिस्ट, हम इसका देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि जो पहले हमने लिगेंड का करेक्टराइजेशन, जो कैटेगराइजेशन है वो देखा, और उसमें स्पेशली जब आप डाइनाइल लिगेंड्स के बारे में देखेंगे तो वो ईटा 5 लिगेंड्स होते हैं जो कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। उस डाइनाइल लिगेंड के अंदर आपने 4 कैटेगरी मेन देखी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल, साइक्लोहेक्साडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल, जिसमें से हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल स्टडी कर लिया है, ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल हम स्टडी कर रहे हैं, साइक्लोहेक्साडाइनाइल और साइक्लोहेप्टाडाइनाइल हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसको बनाने के हमने 3 मेन मेथड देखे, डाइइन से बना सकते हैं, डाइइन में हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन से, डाइइनाइल जो डाइइनॉल है और डाइइनाइल ईथर है उनके डिहाइड्रेशन से, या फिर ट्राइइन के प्रोटोनेशन से। और जो मेन जो प्रॉपर्टी ये शो करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इनमें आसानी से हो सकता है क्योंकि इनका जो कार्बन सेंटर है और जो आयरन सेंटर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो या तो कार्बन सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है या आयरन सेंटर पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी केमिस्ट्री ऑफ ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्साडाइनाइल लिगेंड। सो थैंक यू वेरी मच।